नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर देहात के अधीन आते गांव बुल्ले नंगल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। पति ने गर्भवती पत्नी को जिंदा जलाया। जालंधर देहात की स्पेशल ब्रांच ने नाकाबंदी के दौरान दो नशा तस्करों को किया काबू। 5 किलो चरस, 51,000 की ड्रग मनी, एक एक्टिवा की बरामद। अमृतसर के पीओ स्टाफ की पुलिस ने दो भगोड़ों को किया काबू। अदालत में किया जाएगा पेश। और अब हलचल विस्तार से। कलयुग के इस दौर में इंसानियत इस कदर मर चुकी है कि अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए। और हालात ये हैं कि मामूली तकरार या फिर मामूली घरेलू झगड़े कब भयानक और घिनौना रूप धारण कर लें, ये कोई नहीं जानता। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है अमृतसर देहात के अधीन आते बाबा बकाला साहिब के गांव बुल्ले नंगल में, जहां एक पति द्वारा कथित तौर पर अपनी गर्भवती पत्नी को बांधकर आग लगाकर जला दिया गया। इस घटना के दौरान कमरे में पड़ा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। मृतक महिला की पहचान पिंकी के तौर पर हुई है, जिसका आरोपी सुखदेव सिंह निवासी गांव बुल्ले नंगल के साथ लगभग 2.5 वर्ष पहले विवाह हुआ था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना ब्यास के एसएचओ गुरविंदर सिंह पुलिस पार्टी के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि आरोपी सुखदेव सिंह मजदूरी का काम करता है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है कि उसके पति ने ये घिनौना अपराध क्यों किया। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। तो वहीं पुलिस ने मृतका की देह को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। आज तलाब मिली सी पिंड बुल्ले नंगल, एक पिंकी नाँ की औरत नूं उसके पति ने अग ला के साड़ के मार दिता है। मौके पर पुजे हाँ, मौके पर लड़की के वारस पिंड कलेर घुमाणा तो पुज चुके हैं। जो स्टेटमेंट देंगे ने उस आधार के उत्ते अगली कार्रवाई कर दी जाए। की नाम है ये पति का? नाम सुखदेव सिंह लाडी है जी। की काम करता ये? मेहनत का काम करता, मेहनत नहीं पूरी। ठीक है सर, कोई कारण पता लगा हुण तक? कारण अजे इन्वेस्टिगेशन पुजे हाँ, ज्यों ज्यों गल चलती है फिर क्लीयर हो जाऊ। जालंधर देहात स्पेशल ब्रांच पुलिस ने दो नशा तस्करों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नकोदर क्षेत्र में नाकाबंदी कर इन दोनों आरोपियों को काबू किया गया है, जिनकी पहचान संदीप कुमार उर्फ सोनू निवासी गुरु तेग बहादुर नगर नकोदर तथा गुरदयाल सिंह उर्फ बग्गा निवासी इंद्र कॉलोनी नकोदर के रूप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 5 किलो चरस, 51,000 रुपयों की ड्रग मनी और एक एक्टिवा भी बरामद की है। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नशे के खिलाफ विधि मुहिम तहत सानू कामयाबी मिली, जो असं दो बंदियां नू अरेस्ट करके उन्होंने 5 किलोग्राम जी चरस नाल 51,000 ड्रग मनी ते स्कूटर एक्टिवा वो असी बरामद की। इन्ह के दोषियों के नाम संदीप कुमार और सोनू तो गुरदयाल सिंह और बग्गा है। यह नकोदर एरिए के रहने वाले ने पुराने मुरजम है, ये जो पुराने दोषी है, पहला भी NDPS के परचे दर्ज है। तो जी सा मुहिम है नशे के खिलाफ अभी चलाई, तो आने वाले दिनों होर भी इंटेंसीफाई की जाएगी, तो इस तरह चलेगा। सर किस तरह से लोग ये जो इन्हों की पुछगिछ सामने आया जी, 2 लाख रुपया पर के जी के हिसाब से मेरठ UP तो लेके आते हैं, तो अगे अपना मार्जिन रख के अगे जो है वो बेचते हैं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर द्वारा दी गई हिदायतों पर पीओ करार दिए हुए आरोपियों को काबू करने के लिए स्पेशल मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत पीओ स्टाफ के इंचार्ज ASI हरीश कुमार और अमृतसर थाना सिटी की पुलिस पार्टी द्वारा वांछित भगोड़े सुखविंदर सिंह उर्फ न्यूली निवासी नवी आबादी करमपुरा अमृतसर को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा एक्साइज एक्ट में थाना छेरटा पुलिस को वांछित भगोड़े जगदीश उर्फ लाडी निवासी हरगोविंदपुरा वडाली रोड छेरटा को भी गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि इन्हें माननीय अदालत में पेश कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जड़ा की अदालत श्री गगनदीप सिंह JMIC अदालत में PO करार दिता गया है, जिते मुकदमा नंबर 24 डेटेड 29/1/2015 अंडर सैक्शन 382/34 IPC दर्ज थाना सिविल लाइन रजिस्टर्ड होया, जिदे विच PO करार दिता गया।
दोषी का नाँ जिहड़ा कि वह सुखविंदर सिंह इलियस न्योली पुत्र सूबा सिंह वासी नवी आबादी करमपुरा का रहने वाला इनू अज गिरफ़्तार करके लिया यदि पूछगिछ की गई ये तो आलरेडी पहलों भी एक मुकदमा 307 का 2010 दर्ज रजिस्टर्ड होया वो भी थाना सिविल लाइन का मुकदमा वो यदि पूछगिछ की गई बरी हो चुका हूँ ये यदि पीओ की अरैसट पाई जाऊगी तो इनू कोर्ट में पेश किया जाए। अमृतसर में चोरी व लूट की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और नशेड़ी लोग नशे की पूर्ति के लिए चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके चलते अमृतसर के सुल्तानविंड रोड पर प्रसिद्ध दुकान बानिए की हट्टी पर दिन दिहाड़े एक नौजवान द्वारा देसी घी के डिब्बे चोरी करने का मामला सामने आया है। तो वहीं ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ये नौजवान देसी घी के डिब्बे चोरी कर फरार हो गया। जब इसकी भनक दुकानदार व उसके कर्मचारी को लगी तो इससे पहले ही उक्त नौजवान भागने में कामयाब हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकानदार ने बताया कि दोपहर के समय एक नौजवान उनकी दुकान में से देसी घी के दो डिब्बे चोरी कर ले गया, जिसकी कीमत 6,000 रुपयों के करीब है। उन्होंने बताया कि उक्त नौजवान शक्ल से नशेड़ी लग रहा था। फिलहाल इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं बानी सुल्तान रोड तो नवल किशोर बोल रहा। अज कोई दोपहर के 2:30 बजे एग्जैक्ट टाइम का मैं नहीं पता था, वीडियो च आ गया टाइम। एक लड़का मेरी शॉप के अंदर आया, उसने पहले अंदर राउंड लाया, राउंड लाने तो बाद उन्हें दो देसी घ्यो के 5-5 किलो के डब्बे चुके, जेडे मेरे वीडियो के बारे वीडियो च रिकॉर्डिंग च आ गए है। तो उन्हें अंदरों चुक के अंदरों घूम के तो बाहर निकल गया, उन्होंने फड़न की कोशिश की लेकिन वह दौड़ गया। उम्र अंदाजन 30 साल की रेंज, 28-30 साल की रेंज। कोई एक कैमरे तो हूँ पता लगेगा, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, पर जरा काम करते नशेड़ी ही काम करते। फिरोजपुर जिलाधीश की ओर से दाना मंडी जीरा में गेहूं की फसल की खरीद प्रबंधों का जायजा लिया गया। इस दौरान जिलाधीश फिरोजपुर द्वारा किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर उन्हें विश्वास दिलाया गया कि उनकी फसल जल्द ही मंडियों में से उठा ली जाएगी। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधीश राजेश धीमान ने कहा कि प्रशासन द्वारा गेहूं की फसल की खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गत दिवस बारिश होने के कारण फसल में ज्यादा नमी आ गई थी, जो कि अब धूप लगने के बाद दूर होती नजर आ रही है और जल्द ही सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा फसल की खरीद कर किसानों को घर बेच दिया जाएगा। जीरा से हलचल के लिए सतीश विच की रिपोर्ट। देखो असी सारिया मंडियां दा दौरा कर रहे हैं, साडे डीएम साहब नाल ने, सारे डीएम साहब नाल सारी एजेंसियां से जिहड़ियां भी क्योंकि कणक की आमद शुरू हो गई हैगी है, अरेंजमेंट चैक करना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हैगी है, साड़ी बोली लग रही है, लिखती हो रही है, जो कोई भी तरह की प्रॉब्लम होगी उन्होंने हल करने। कल आढ़तियों ने बड़ा वधिया अरेंजमेंट किया, असीं तरपालां पाईआं हुई सन, हुण अज जिवें बारिश अज नहीं पई है, अज तो मैं बिल्कुल मॉइस्चर जो है घट जूगा कितने दिन से जो ना जोड़ा केंद्र का मसला होंगे वो साढ़े अच्छे रिक्वेस्ट ही कर सकते। मलोट से आए ट्रक मालिक द्वारा पंजाब पुलिस का आभार व्यक्त किया गया। इस दौरान ट्रक मालिक सुनील कुमार ने कहा कि पंजाब पुलिस द्वारा उसका 35 लाख रुपयों का नुकसान होने से बचाव किया गया है। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सुनील कुमार ने कहा कि 15 लाख रुपयों का उनका ट्रक था और उसमें 20 लाख रुपयों के चने थी, जिस कारण उनका 35 लाख रुपयों का नुकसान होने से बचाव हो गया। उसने कहा कि वे अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर और थाना सुल्तानविंड के पुलिस अधिकारी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। तो वहीं इस मौके पर थाना सुल्तानविंड के पुलिस अधिकारी ने कहा कि पंजाब पुलिस एक ईमानदार पुलिस है और अपनी ड्यूटी के प्रति हमेशा वफादार है। तो वहीं जनता की सुरक्षा के लिए पूरी तनदेही से अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वचनबद्ध है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। असीं बड़ी मेहनत के नाल जिहड़ा वा ये ट्रक जिहड़ा वा काबू करके माल बरामद करके दोषी बरामद करके उन्होंने वरते जिहड़े भी पहला बरामद पुलिस ने और सीनियर अफसर ने सारे ने रल के जिहड़ी आ बड़ी मेहनत के नाल ये केस जिहड़ा सॉल्व किया मानयोग सीपी साहब के आदेशों के नाल। तहे दिलों धन्नवाद करदा पंजाब पुलिस का प्लस सुल्तानविंड दी टीम SSO साहब सुरवीर सिंह का उन्होंने टीम का मेरे वालों मेरा बहुत उन्होंने
ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟਰੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੈਕ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 35 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟਰੱਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਚਮਕੀਲਾ ਮੇਂ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੀਵੀਆ ਕਾ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਲਮ ਕੋ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰੋਂ ਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਅਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਪਰ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਹੋ ਇਸ ਫਿਲਮ ਕੀ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇ ਭਵਿਸ਼ ਮੇਂ ਵੀ ਔਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੇਕਰ ਲੋਕੋ ਕੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਂਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣੇ ਔਰ ਫਿਲਮ ਕੀ ਸਫਲਤਾ ਕਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਆ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਨਗਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਐਨ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਡੀਪਲੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਪੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਾ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵ ਸੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮੇਂ ਸਰਵ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਭੋਗ ਡਾਲੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰ ਕੇ ਜਥੇ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਉਪਸਥਿਤ ਸੰਗਤ ਕੋ ਨਿਹਾਲ ਕੀਆ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਗਤੋਂ ਸੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੇ ਅਵਗਤ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਸਭੀ ਸੰਗਤੋਂ ਕੋ ਇਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਵੀ ਦੀ ਗਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਸੁਨੀਲ ਖੋਸਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ ਉੱਥੇ 11 ਪੱਟਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਕਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर शेखा बाजार में एक शाम खाटू शाम के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया इस भजन संध्या में दीपक सरगम एंड पार्टी द्वारा मंदिर संकीर्तन मंडली ने खाटू बाबा के भजन गाकर समा बांधा इस अवसर पर मंदिर के संचालक और विधायक रमन अरोड़ा ने भक्तों को बताया कि आने वाली 23 अप्रैल को हारे के सहारे खाटू बाबा के पर्व पर मंदिर की ओर से 22 अप्रैल को एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो श्री काली माता मंदिर ज्योति चौक से शुरू होकर बालाजी धाम में आकर संपन्न होगी उन्होंने बताया कि खाटू श्याम जी की 100 सदस्यों की किट्टी शुरू कर रही हैं, जिसमें हर सदस्य को 1000 रुपये प्रतिमाह देनी होगी इन पैसों से खाटू बाबा का हर सप्ताह श्रृंगार होगा 56 भोग लगाया जाएगा और लंगर भी लगाया जाएगा 100 सदस्यों में किसी एक की हर सप्ताह पर्ची निकलेगी जिस सदस्य का पर्ची में नाम आएगा उसके परिवार से खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना करवाई जाएगी जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट
छिन्न मस्तिका धाम मास्टर तारा सिंह नगर की ओर से पूजनीय माँ जी के प्रवेश दिवस के उपलक्ष्य में 53वें वार्षिक जागरण का आयोजन किया गया। तो वहीं जागरण की शुरुआत शक्ति मंडली की ओर से गणेश वंदना को गाकर की गई। इस मौके पर शक्ति जागरण मंडली जालंधर वाले और राजू एंड पार्टी पठानकोट वालों ने मां के भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन डिस्पेंसरी के प्रभारी अजय लाली, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, अमरजीत सिंह अमलीरी विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्हें मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से मां की चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया। अंत में छिन्नमस्तिका धाम मास्टर तारा सिंह नगर के परम पूज्य माँ जी ने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हमें अपनी धार्मिक मर्यादाओं में परंपराओं का पालन करना चाहिए, इसलिए जीवन चरित्र स्वयमेव शुद्ध तथा प्रेरणादायक बन जाता है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मुखी जी के सिद्ध स्थान मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में श्री शनि देव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान मुकेश गुप्ता से सपरिवार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। श्री शनि देव महाराज के निमित्त श्रृंखलाबद्ध साप्ताहिक दिव्य हवन यज्ञ के उपरांत आए हुए सभी भक्त जनों से सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज ने प्रभु भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि पल भर के लिए भी मनुष्य को धर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। विडंबना है कि धर्म के पास व्यक्ति उस मछली के समान होकर जाता है जो ऑक्सीजन लेने के लिए मात्र कुछ पल के लिए पानी से उछलकर बाहर आती है और फिर उसी में वापस चली जाती है। हम भी राग द्वेष व्यसन रूपी पानी में रहते हैं, देव दर्शन संत समागम के लिए कुछ क्षण को उस पानी से निकलकर बाहर आते हैं और वापस उस संसार रूपी पानी में चले जाते हैं। वही उन्होंने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति सबसे बेहतर है, भक्ति भाव रखकर हमें अपने आप को धर्म कर्म से जोड़कर रखना चाहिए। इस अवसर पर एडवोकेट राजकुमार, पूनम प्रभाकर, सरोज बाला, राकेश प्रभाकर, समीर कपूर, रोहित भाटिया, बाबा जोशी, बाबा खन्ना, अजीत कुमार, अमनदीप शर्मा, संजीव शर्मा, राजेश महाजन, मनीष कुमार, नितिश त्रेहन, संजय सोनू, नवदीप, उदय, अमन सुखवा, अमरजीत सिंह, प्रिंस कन्हैया, रंजीत कुमार शर्मा सहित भारी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। विदाउट एनी कॉस्ट हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। सारे सेवादारों वालों
प्रभु जी के भक्तों वालों करमन प्रार्थना है कि हवन यज्ञ च पहुंचो हर शनिवार सवेरे 7 बजे तो 8 बजे तक, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। सारे पहुंचो, श्री शनिदेव महाराज जी का आशीर्वाद लो और अपने जिहड़े कर्म उन्हां च जिहड़ा भगती दा फल है उहदा इजाफा करो। कल महावीर जयंती है, जैन समाज का पर्व है, हर्षोल्लास नाल सनातन समाज के नियमों अनुसार मनाओ। और जिस तरह मैं अगे भी दसदा कि प्रभु श्री राम जी के वंशज है, सूर्य वंश के विच पैदा हुए हैं, भगवान राम जी की पीढ़ियां अगे चेक कीतियां जा ते उहदे विच महावीर जी का जन्म होया। सारे ही अपने हैं, सनातन है, और जो सनातन का नियम है उसके अनुसार अपने पर्व त्यौहार मनाओ और अपने बच्चों को ये दसो कि यह चीज़ा साढ़े समाज के नाल है। मित्तल ग्लास ट्रेडर्स के मालिक विक्रम मित्तल की माताजी कविता मित्तल का आकस्मिक निधन हो गया था। उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म उठाला और श्रद्धांजलि सभा गीता मंदिर मॉडल टाउन में आयोजित की गई। इस मौके पर फूलों वाले पापा जी, भाजपा नेता अमरजीत सिंह कमरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, लवली ग्रुप के चेयरमैन रमेश मित्तल, मनिंदर बख्श, संजय भट्ट व पारिवारिक सदस्यों में विक्रम मित्तल, निधि मित्तल, साक्षी, राकेश गुप्ता, पूजा, विवेक अग्रवाल, प्रवीण, ब्रज गुप्ता, आद्विक, आस्था, हिमांशु, कृति, रूपांगी, कशिका, अर्पित सहित व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय कविता मित्तल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा बैठिया मतामा बहना बजुर्गों गुरबाणी च लिखा मदन ने खवाए मंगल ने असि इस धरती ते जन्म लैने आ, साडी मौत पहला ही निश्चित हो गया। बच्चा मां के गर्भ च होता है क्योंकि मौत निश्चित होगी, परमात्मा ने पैदा कर दिया। मौत ही नहीं, जिंदगी ने कई अहम चीजा की साड़ी एजुकेशन होनी, की साड़ा प्रोफेशन होना, की साड़ी अर्निंग होनी, यश अपयश, ये पहला ही परमात्मा वालों निश्चित है। इसी तरह मेरे बहुत ही सत्कार जो माता कविता मित्तल जी साढ़े बच्चे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मिठी याद हमेशा ही साढ़े सब के मन च बनी रही। जिदा भगत जी ने भी दर्शाया कि बहुत ही धार्मिक विचारों का परिवार, हमेशा ही माँ ने अपने बच्चों को चंगे शिक्षा दी है, चंगे गुण दिते है। माँ शब्द भावें छोटा ही होता है लेकिन उनके पिछे एक शक्ति है, एक स्नेह है, एक ममता है, माँ का माँ का आशीर्वाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं भाजपा के केंद्रीय मंडल 8 के उपाध्यक्ष विनोद अरोड़ा के माताजी शिमला रानी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे काफी समय से अस्वस्थ चल रही थी। उनका अंतिम संस्कार जालंधर स्थित हरनामदासपुरा शमशान घाट में किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, भाजपा मंडल प्रधान आशु ढल, डॉक्टर रमेश कंबोज, राजीव वालिया, नरेश अरोड़ा, नरेश जैन, यश गुप्ता, अश्विनी बांसल, विशेष कालिया, अश्विनी चोपड़ा, वरिंदर, यश चोपड़ा, बिल्लू धीर, नरेंद्र पाल मदान, अशोक मदान, पीर बोदला, कपड़ा मार्केट के प्रधान राजकुमार अरोड़ा, सूर शर्मा सहित राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय शिमला रानी को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से।
अमृतसर देहात के अधीन आते गांव बुल्ले नंगल में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। पति ने गर्भवती पत्नी को जिंदा जलाया। जालंधर देहात की स्पेशल ब्रांच ने नाकाबंदी के दौरान दो नशा तस्करों को किया काबू। 5 किलो चरस, 51,000 की ड्रग मनी, एक एक्टिवा की बरामद। अमृतसर के पीओ स्टाफ की पुलिस ने दो भगोड़ों को किया काबू। अदालत में किया जाएगा पेश। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।